मध्य प्रदेश में पहली बार एमएमए चैंपियनशिप 2018 यहां पर डीएवीवी ऑडिटोरियल में यानी कि इंदौर की सरजमी पर आपको देखने को मिल रही है। जी हां, पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरीके की फाइट का ऑर्गेनाइज किया गया है। उसी के साथ में आपने फाइट्स तो बहुत सारी देखी होंगी, गली मोहल्लों में, सड़क पर आपने फाइट्स देखी होंगी, पर उसका देसी तड़का, उसका एडवांस तड़का यहाँ पर आपको इंदौर में देखने को मिल रहा है। एमएमए चैंपियनशिप 2018 आप देख सकते हैं मेरे सामने, बहुत सारी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए, रूल्स रेगुलेशंस के साथ में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें जो फाइटर्स हैं वो सिर्फ इंदौर के नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, बल्कि जो पूरे देश के न जाने कितने ज़िलों से यहाँ पर अपनी फाइट को दिखाने के लिए आए हैं, और जो कि देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करके इंदौर की सरजमी पर यहाँ पर अपनी फाइट का यहाँ पर मुकाबला जो है वो दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे यानी कि 150 जो फाइटर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी। जी हाँ, सिर्फ मेल और फीमेल यहाँ पर फाइट अपना दिखाने आए हैं। बहुत सारे फाइटर्स हैं जो यहाँ पर अपना करतब दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फाइट यहाँ पर बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं। एमपी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है किस तरीके की फ़ाइट जो है वो इंदौर में चली आ रही है। मॉर्निंग में हमने दिखाया था इसका जो रिहर्सल था वो हमने आपको दिखाया था, प्रिपरेशन हमने आपको दिखाया था, पर अभी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं किस तरीके से फाइट यहाँ पर हो रही है। एमपी न्यूज़ खास तौर पर ये दिखाना चाह रहा है कि युवाओं में जो आज के दौर में सेल्फ डिफेंस को ध्यान में रखे फाइट की जा रही है, युवाओं में जो बढ़ता क्रेज़ है फाइट को लेकर वो, और उसी के साथ में एमएमए का जो खास फाइट यहाँ पर दिखाई जा रही है वो खास आपको एमपी न्यूज़ दिखा रहा है। पर हम बात करना चाहेंगे जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, एमएमए जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और ये जो खास पहल की गई है वो हम आपको खास दिखाएंगे। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि दो दिन तक ये फाइट यहाँ पर दिखाई जाएगी। एमएमए चैंपियनशिप 2018 का दो दिन का ये स्पेशल यहाँ पर फाइट का प्रोग्राम है आज और कल। कल और भी ज़्यादा आपको रंग रोगन यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर आज क्या खास है, बात करेंगे सीधे तौर पर जो इसके पूरे एमपी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं संतोष जी, आपसे बात करेंगे। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फाइट का हमें प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है, क्या कहना है आपका इस प्रोग्राम के लिए? धन्यवाद एमपी न्यूज़ का कि आप यहाँ पर इसको कवर करने के लिए आए हैं। इंदौर में पहली बार एमएमए के माध्यम से यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है। यह आयोजन अपने आप में एक अलग तरह का आयोजन है। इस खेल में ताकत और टेक्निक का उपयोग होता है। जैसा आपने पहले देखा कि कई बार यह जो खेल होता है पहले विदेशों में होता था, लेकिन अब इस खेल को यहाँ पर भारत में भी हम इस खेल को लेकर आए हैं, और मध्य प्रदेश में एमएमए का गठन करके जिसके अध्यक्ष हमारे सम्माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी तोमर रामू भैया हैं, और इसका पूरा गठन यहाँ पर मध्य प्रदेश में हो चुका है, और पहली बार इंदौर में यह प्रतियोगिता दो दिन की 23 और 24 जून को आयोजित हो रही है, और करीब पूरे देश से इसमें 200 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। और यह जो खेल है, जब इंदौर वासी इस खेल को जब देखेंगे तो एक अलग ही तरह का उनको इसमें नज़ारा देखने को मिलेगा। यह जो खेल होता है इसमें खिलाड़ी को सामने वाले से लड़ने के अलावा खुद को भी इतना मजबूत होना पड़ता है कि उसको जो मार सामने वाला मारता है उसको सहन करने की ताकत उस खिलाड़ी में होना चाहिए। इस प्रकार से यह खेल का जो आयोजन हो रहा है, हम देखते हैं कि जब ओलंपिक का खेल होता है या कहीं भी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होती है तो हमारा देश इतना बड़ा है, लेकिन हमारे पदकों की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार से खेल को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को मजबूत करने के लिए और मजबूत नागरिकों को बनाने के लिए, इस प्रकार के खेलों में हम प्रोत्साहन देने के लिए ये खेलों का हम आयोजन कर रहे हैं, और यह मध्य प्रदेश में अपने आप में एक अनूठा आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, और आगे
इसके जो आयोजन है पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इसके आयोजन आगे होने वाले हैं। मैं आपका इस अवसर पर जो आपने आकर यहाँ पर पूरे इंदौर वासियों को यह मीडिया के माध्यम से आपके एमपी न्यूज़ के माध्यम से जो यह खेल दिखाने का आपने जो प्रोत्साहन देने के लिए आपने काम किया है उसके लिए मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अब आप बात करेंगे इस शानदार फाइट प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से। सर, क्या आपका मकसद रहा है इस फाइट को इंदौर में स्पेशली ऑर्गेनाइज करने के पीछे? इस फाइट को मध्य प्रदेश में पहली बार हमारे एमएमए के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र प्रताप जी तोमर जी के नेतृत्व में ये पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजन हो रहा है। ये इंदौर का सौभाग्य है कि ये पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजन इंदौर में ही हो रहा है। यहाँ पर लगभग 200 प्रत्याशी जो इस फाइटर क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरे देश से आए हुए हैं, और हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ पर जितने भी यंगस्टर हैं, जो नए नए युवा है, इस नए खेल से जुड़े और अपनी प्रतिभा भी इस खेल के माध्यम से आगे लाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर प्रतिभा को और ज़्यादा निखारने की, युवाओं में प्रतिभा बहुत होती है और उनको निखारने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। स्पेशली बात करेंगे राम जी आपसे, किस तरीके का ये आयोजन यहाँ पर रखा गया है? क्योंकि जब हमने तैयारियों का जायज़ा लिया था तब तो रंग कुछ और था, पर अब रंग कुछ और दिखाई दे रहा है। फाइट्स जारी हैं मैम। जो खिलाड़ी हैं मैं आपको बता दूँ, 10 स्टेट से आए हैं। इसमें झारखंड से आए हुए हैं, यहाँ पर उड़ीसा के लोग हैं, गोवा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, राजस्थान, गुजरात, सभी दूर से आए हुए हैं। तो मेनली क्या है मैम, ये एक स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें जैसे मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया कि इसमें खिलाड़ी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत स्किल्ड हैं और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। आयोजन का पर्पज़ तो यही है कि पीपल ऑफ इंदौर शुड गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स हेल्थ एंड दे शुड गेट कॉन्शियस टुवर्ड्स सेल्फ डिफेंस एंड अटैकिंग आर्ट्स। बाकी इसमें जो खिलाड़ी हैं इनका ये एक चैम्पियनशिप है मैम, जो सेकेंड वेस्ट सेंट्रल जोन की है। तो इसमें अभी जो अगला खिलाड़ी खेलने वाला है वो इंदौर लोकल का है और उसने बहरीन में इंदौर को रिप्रेजेंट किया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी फ़ाइट को आप पूरा कवर करें तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह की फ़ाइट्स और कैसे मूव्स फाइटर करते हैं। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। तो सारी फाइट्स जो हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी एमपी न्यूज़ के माध्यम से। पर यहाँ पर जो गौर देने वाली बात है वो ये कि यहाँ पर सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि फीमेल्स भी अपना प्रदर्शन दे रही है। तो एक फीमेल की बात एक फीमेल से ही पूछ सकते हैं। मैम, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इस पूरे प्रोग्राम की, किस तरीके से आपका मकसद था महिलाओं को आगे लाकर इस फाइट पर उतारने का? जी, हमारा मकसद यह है कि जिस तरह से सभी खेलों में महिलाएं आगे आ रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और चूंकि ये तो गेम ही ऐसा है कि महिलाओं की मजबूती को दिखाता है, तो हम पूरी तरह से इसमें सपोर्ट में हैं कि महिलाएं जो अभी पीछे हैं वो आगे आएं। अभी यहाँ पे बहुत सारी हमारी महिलाएं बहनें आई हैं खेल में भाग लेने के लिए, और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ आएँ और खेल के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएँ और मजबूत बने। क्या बात है। तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है, महिलाओं को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है जिससे कि अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें उनको किसी और का सहारा ना लेना पड़े बल्कि वो खुद के पैरों पर खड़ी रहें और मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब बात करते हैं उनसे जो इस पूरे यानी कि एमएमए के प्रेसिडेंट है, जो कि खुद भी दाव पेच लगाना जानते हैं और जो रिंग है उसमें भी लोगों को संभालते हुए नजर आते हैं। क्या कहना है आपका, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है और किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है देवेंद्र प्रताप जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी विकास शर्मा जी और ये पूरी टीम जितनी यहाँ बैठी है, मैं सबका नाम तो नहीं जानता लेकिन सभी के प्रयास से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज आयोजित हो गया है। और बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश के पास आज खुद का केज आ चुका है, जो हिंदुस्तान में शायद आज 5 से 6 जगहों में ही पूरे हिंदुस्तान में केज है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इतना अच्छा एक यंगस्टर्स का एक जमावड़ा यहाँ पे हुआ है। आज 200 के करीब पार्टिसिपेंट जहाँ खेल रहे हैं, आप आवाज़ सुन सकते हो, ये जीत की खुशी है। और बीइंग अ नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन का और इस गेम का वर्ल्ड रेफरी होने के साथ साथ फाइटर्स की सेफ्टी पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं क्योंकि फाइटर की सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्या इंदौर में ये आयोजित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज आए हुए हैं,
उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये यहाँ तक नहीं रुकेगा। इन सबके प्रयास से शायद हर 2-3 महीने में यहाँ पे इवेंट होते जाएंगे। ये एमेच्योर लेवल है, कल हम यहाँ पे प्रोफेशनल इवेंट ला सकते हैं जहाँ पे वर्ल्ड के अच्छे लोगों की टीम अफगानिस्तान, ईरान, दुबई, यूएई, बहरेन, वो सब यहाँ पे आके प्रदर्शित कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंदौर का एक नाम एक अपने अलग जगह पे आ सकता है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि ये तो एक बस शुरुआत है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, आगे भी बड़े बड़े जो आयोजन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक अमैच्योर तरीके की फाइट यहाँ पर हो रही है, एमएमए चैंपियनशिप 2018 सीधे तौर पर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फाइट यहाँ पर हुई। ये जो रिंग है, स्पेशली मैं इस रिंग के बारे में आपको बताऊँ, ये वो रिंग है जो इंटरनेशनल लेवल की जो फाइट्स होती है उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरीके से इसका पूरा फाइट को और भी ज़्यादा बेहतरीन और नेचुरल और इंटरनेशनल लुक देने के लिए इस रिंग को तैयार किया गया है। यहाँ पे आए लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइट्स को पसंद करते हैं, तो क्या कहा जा सकता है, जो भी हम मूवीज़ में देखते हैं, आपने ब्रदर्स देखी होगी, आपने दंगल देखी होगी, आपने सुल्तान देखा होगा, पर वो सब को अपार्ट फ्रॉम दैट वो सब एक रियल नहीं है, पर यहाँ पर जो फाइट हो रही है वो एकदम रियल है और बहुत ही शानदार फाइट को ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किया गया है। एमएमए चैंपियनशिप 2018 पहली बार मध्य प्रदेश में की गई है। आगे भी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज़।